से संबंधित, और आगामी दिनों में एक्सपर्ट का पेपर भी आ रहा है, आज शाम को मुख्यमंत्री उस पर भी चर्चा करें। ये हमारी दोनों की मिलकर प्राथमिकता थी, जिस लड़ाई को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, 300-300 किलोमीटर बच्चों को ना ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए जॉइंट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से कदम उठाया जाए। जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो भी अलॉटमेंट नहीं है, तो उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आग्रह करें जो ये 300 किलोमीटर की प्रथा है इसको समाप्त करने का काम है। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा प्रदेश के आम जन तक जितनी भी सुविधाएं उनकी के साथ उनको हम पहुँचाने का काम करें, और हरियाणा को मुख्यमंत्री प्रोग्राम के तहत कमेटी का काम किया जाएगा, उस रिपोर्ट के अनुसार आगे काम किया जाएगा। आज आप लोग प्रदर्शन करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर दोनों पार्टी के घोषणा पत्र जो कॉमन एजेंडा है, जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा है या जो यूनिक एजेंडा है, उनको प्राथमिक तौर पर कैसे जॉइंटली प्रदेश की सरकार प्रदेश के हित में लाने का काम करे, उसके ऊपर एक कमेटी गठित करी जाएगी टाइम बाउंड तरीके से, जो अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करा पाए और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए दोनों पार्टियों की जो घोषणाएँ थी, जो वादे थे, उनको मतलब सीधे राउत जी को दुष्यंत चौटाला तो पता है कौन, मेरे पिताजी जेल में आज से नहीं पिछले 6 साल, सीधे राउत जी ने कभी उनके हाल चाल के बारे में नहीं पूछा, और ना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपनी सजा का टनी और पूरा करने से पहले आए। एक पिता के लिए खुशी की बात बिहार का भी बड़े खुशी का पर्व, मैं संजय जी को कहा इस तरह के बयान की वो जो बात करते हैं उससे कोई उनका तर्क बनता नहीं। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से चले, हमारी पार्टी का गठन हुए तो 11 महीने, और 11 महीने के सफर के अंदर हमें बारी बारी किसी को धोखा देकर, किसी से लड़ाई लड़कर, या इस प्रकार से आगे पीछे हटकर, डरा धमका कर आगे बढ़ने की मंशा नहीं, ईमानदार राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं। और ईमानदार राजनीति के तहत जैसे 11 महीने में हमने काम किया है, आगामी 5 साल भी प्रदेश के वहाँ सीएम की लड़ाई चल रही है, सीएम पोस्ट के लिए महाराष्ट्र का सब विधायक ना, हमारी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर दुष्यंत जी जो भी महाराष्ट्र का निर्णय हो, आपके हरियाणा में मंत्रालय को लेकर कोई बात है, पार्टी का अंदरूनी निर्णय होगा महाराष्ट्र में क्या है, हरियाणा में मंत्रालय प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश के दोनों दल तो कैबिनेट मिनिस्टर के लिए आपकी पार्टी से कुछ नाम चल रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कैबिनेट विस्तार की चर्चा पहले सेशन के बाद होगी, कौन जाएगा किस पे जाएगा तो संगठन का निर्णय है, मेरे ख्याल से आप जैसे साथियों का निर्णय नहीं, नहीं 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 आप हम पे जी दोनों पार्टी जितने भी कैबिनेट में साथी आएंगे, जितने MOS बने मिलकर उस पर निर्णय करेगी, और ओथ होगी उससे पहले आपको नाम भी दे देंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे शपथ ग्रहण। आप तो आपका स्वागत किया है, अतीत की बात करें तो आप लोग दिल्ली में चुनाव भी लड़े हो, विधायक भी रहे, नजर करते हैं बात कर भरत सिंह, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अब आपकी कुछ रणनीति इस तरह की, तो जेजेपी की दिल्ली का दिल्ली प्रदेश इकाई का हरियाणा प्रदेश इकाई के साथ साथ किया गया, ओम प्रकाश शरावत जी हमारे अध्यक्ष के साथ पूरी हाई यूनिट खड़ी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली आगमन कर उन्हें स्वागत किया। आगामी चुनाव में क्या कदम रहेंगे, कैसे चुनाव को लड़ा जाए, इसके ऊपर पार्टी संगठन दिल्ली प्रदेश की बैठक हुई, क्योंकि मैं दिल्ली का प्रभारी भी हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम बैठ कर दुष्यंत जी का आपने आज ट्वीट भी किया था अपने राजपाल डेविड के ऊपर, राजपाल के साथ साथ एक साथी और अरे उनानी वाला धर्मेंद्र आया हुआ है, धर्मेंद्र आया क्या नाम साथी है, जैसे राजपाल साथी आया हुआ है, एक असम से है प्रकाश जिसने 14 साल नीचे कर लिया, मैं ये मान रहा हूँ इन लोगों की तपस्या जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, ये बहुत साथी थे,
धर्मेंद्र है इसने ये त्याग लिया था, जब तक राज नहीं आएगा तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। मैं मानता हूँ हमारे से ज्यादा इन लोगों का त्याग है जिनने प्रदेश के अंदर अपने आप में संगठन को निर्णय दिया। और मैं तो चाहूंगा आज आप लोग इसके साथ जाए, जब ये अपने 14 साल दुष्यंत जी पहला फैसला आप क्या लेना चाहते हैं? जिस तरीके से आपके पिताजी भी मिलने गए थे, तो पहले दिन से परिवार पार्टी आ रही, फोन पीछे कर रहे हैं, एक करने ना करने की बात दूसरे उठाना। दुशांत जी, सरकार में पहला फैसला आप क्या लेना चाहते हैं? सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या? हमारी प्राथमिकता यही रही कि हरियाणा प्रदेश सरकार के अंदर 75% हिस्सेदारी युवाओं की। मैं युवा हूँ, 31 साल का, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित की लड़ाई किसानों के लिए क्या होगा? झज्जर के मेडिकल कॉलेज के लिए, छात्रों के लिए भी कुछ करेंगे? समय भी नहीं है। कैबिनेट ऑटोनोमस बॉडी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कैबिनेट उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं आगे कैसे मोस्ट ऑफ एक्शन 5 साल के बाद। झज्जर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हुए काफी दिनों से, आप उनसे मिले भी क्या? मांग आया था, बड़ा टेक्निकल सा मामला है, बिल्कुल आगामी दिनों में जैसे जैसे मिनिस्ट्री भी आएगी वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतराल आता है, और उसके साथ साथ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसमें है, और दोनों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर चर्चा की आगे का कोर्स ऑफ एक्शन लाख रुपये आज तक डिग्रियाँ क्या जो शिक्षा नहीं दी जाए तो उसके ऊपर मैं तो जाके आया था, वो बहने रोने लगी थी। एक युवा साथी है, वो तो मैटर था, मेरा मैसेज करता है बिल्कुल उनकी बात को प्रॉपर तरीके से रखेंगे, पर जो लोग उनको धोखा देकर बैठे उन लोगों ने उनसे सिर्फ पैसे उछने का काम किया, उनके खिलाफ सरकार की और जो भी उचित इसी का किसी से संबंध रखते हैं। और आगामी दिनों में एचटेट का पेपर भी आ रहा है, तो आज शाम को मुख्यमंत्री जी और मैं बैठकर उस पर भी चर्चा करें। हमारी दोनों की मिलकर प्राथमिकता थी, जिस लड़ाई को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, 300-300 किलोमीटर बच्चों को ना ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए जॉइंट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से कदम उठाया जाए। जो एग्जामिनेशन सेंटर है जो भी अलॉटमेंट नहीं है, तो उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आग्रह करते हैं जो ये 300 किलोमीटर की प्रथा है इसको समाप्त करने का काम है। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा प्रदेश के आम जन तक जितनी भी सुविधाएं नीति के साथ उनको हम पहुँचाने का काम करें, और हरियाणा को नए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर दोनों पार्टी के घोषणा पत्र जो कॉमन एजेंडा इम्पोर्टेंट एजेंडा या जो यूनिक एजेंडा उनको प्राथमिक तौर पर कैसे जॉइंटली प्रदेश की सरकार प्रदेश के हित में लाने का काम करें, उसके ऊपर एक कमेटी गठित करी जाएगी टाइम बाउंड तरीके से, जो अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करा पाए और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए दोनों पार्टियों की जो घोषणाएं थी जो वादे थे उनको। मतलब सीधे राउत जी को दुष्यंत चौटाला तो पता है कौन, मेरे पिताजी जेल में आज से नहीं पिछले 6 साल, संजय राउत जी ने कभी उनके हालचाल के बारे में नहीं पूछा, और ना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपनी सजा काटने और पूरा करने से पहले आए। एक पिता के लिए खुशी की बात होती है हार का बीच मिला और एक खुशी का फर्क भी। मैं संजय जी को कहूँगा कि इस तरह के बयान की वो जो बात करते हैं उससे कोई उनका तर्क बढ़ता नहीं। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से चले, हमारी पार्टी का गठन हुए तो 11 महीने हुए, और 11 महीने के सफर के अंदर हमें बारी बारी किसी को धोखा देकर, किसी से लड़ाई लड़कर या इस प्रकार से आगे पीछे हटकर दगा धमका कर
आगे बढ़ने की मंशा नहीं, ईमानदार राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं और ईमानदार राजनीति के तहत जैसे कह रहा हूँ हमने काम किया है आगामी 5 साल भी प्रदेश के वहाँ सीएम की लड़ाई चल रही है सीएम पोस्ट के लिए। महाराष्ट्र का सब विधायक ना हमारी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर दुष्यंत जी जो भी महाराष्ट्र का निर्णय होगा में मंत्रालय को लेकर कोई बात जनता पार्टी का अंदरूनी निर्णय होगा महाराष्ट्र में क्या है हरियाणा में मंत्रालय प्रदेश की बात है हरियाणा प्रदेश के दोनों दल में कैबिनेट मिनिस्टर के लिए आपकी पार्टी से कुछ नाम चल रहे हैं आप कुछ चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कैबिनेट विस्तार की चर्चा पहले सेशन के बाद कौन जाएगा किस पे जाएगा तो संगठन का निर्णय है मेरे ख्याल से आप जैसे साथियों का निर्णय नहीं 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 आप हम पे जी दोनों पार्टी जितने भी कैबिनेट में साथी आएंगे जितने एमओएस बने मिलकर उस पर निर्णय करेगी और ओथ होगी उससे पहले आपको नाम भी दे देंगे और आपको इनवाइट भी करेगी शपथ ग्रहण स्वागत किया है। अतीत की बात करें तो आप लोग दिल्ली में चुनाव भी लड़े हो विधायक भी रहे नजर करते बात कर भरत सिंह क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अब आपकी कुछ रणनीति इस तरह की तो जेजेपी की दिल्ली का बहुत जरूरी है दिल्ली प्रदेश इकाई का हरियाणा प्रदेश इकाई के साथ साथ किया गया ओम प्रकाश शरावत जी हमारे अध्यक्ष के साथ पूरी हाई यूनिट खड़ी है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली आगमन कर उन्होंने स्वागत किया। आगामी चुनाव में क्या कदम रहेंगे कैसे चुनाव को लड़ा जाए इसके ऊपर पार्टी संगठन दिल्ली प्रदेश की बैठक हुई क्योंकि मैं दिल्ली का प्रभारी भी हूँ मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम बैठ कर दुष्यंत जी आपने आज ट्वीट भी किया था आपने राजपाल डेविड के ऊपर राजपाल के साथ साथ एक साथी और अरे वो नानी वाला धर्मेंद्र आया हुआ है धर्मेंद्र सही साथी है जैसे राजपाल साथी आया हुआ है एक असम से है प्रकाश जिसने 14 साल नीचे कर लिया मैं ये मानता हूँ इन लोगों की तपस्या उनको हमें याद रखना पड़ेगा ये बहुत साथी थे जिनमें आजा धर्मेंद्र धर्मेंद्र है इसने ये त्याग लिया जब तक राज नहीं आएगा तो मैं बाल नहीं कटाऊंगा मैं मानता हूँ हमारे से ज्यादा इन लोगों का त्याग है जिनने प्रदेश के अंदर अपने आप में संगठन को निर्णय दिया और मैं तो चाहूंगा आज आप लोग इसके साथ जाए जब ये अपने 14 साल दुष्यंत जी पहला फैसला आप क्या लेना चाहते हैं जिस तरीके से आपके पिताजी भी मिलने गए थे मैं तो पहले दिन से परिवार पार्टी आ रहे फोन पीछे कर लो एक करने ना करने की बात दुष्यंत चौटाला दुष्यंत जी सरकार में पहला फैसला आप क्या लेना चाहते हैं सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या हमारी प्राथमिकता यही रही है कि हरियाणा प्रदेश सरकार के अंदर 75% हिस्सेदारी युवाओं की मैं एक युवा हूँ 31 साल का मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित की लड़ाई किसानों के लिए क्या होगा झज्जर के मेडिकल कॉलेज के लिए छात्रों के लिए भी कुछ करेंगे इस समय भी है कैबिनेट ऑटोनोमस बॉडी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कैबिनेट उनको रिक्वेस्ट कर सकते उनको गाइडेंस दे सकते आगे कैसे पोस्ट ऑफ एक्शन 5 साल के बाद दुष्यंत जी झज्जर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बैठे हुए काफी दिनों से आप उनसे मिले भी क्या आया था बड़ा टेक्निकल सा मामला है आगामी दिनों में जैसे जैसे मिनिस्ट्री डिवाइड वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतराल आता है और उसके साथ साथ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसमें है और दोनों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर चर्चा की आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आज तक की डिग्रियाँ क्या मुझे शिक्षा नहीं दी जा रही तो उसके ऊपर मैं तो जाके आया था वो बहने रोने लगी थी एक युवा साथी है वो तो एडमिटेड था जब मेरा मैसेज करता बिल्कुल उनकी बात को प्रॉपर तरीके से रखेंगे और जो लोग उनको धोखा देकर बैठे उन लोगों ने उनसे सिर्फ पैसे लूटने का काम किया उनके खिलाफ सरकार की और जो भी उचित डिसीजन लिया